टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। यूपी के योगी राज में बुलंद शहर पुलिस का शूट आउट ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। देर रात को बुलंद शहर में वारदात को अंजाम देने आ रहे हाथरस के 25,000 के इनामी कुख्यात बदमाश विकास से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान इनामी बदमाश के पैर में गोली लग गई। और फिर पुलिस ने घेराबंदी कर इनामी बदमाश विकास को मौकाए वारदात से गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसके कब्जे से एक बिना नंबर प्लेट युक्त बाइक, एक तमंचा और कई कारतूस बरामद किए। विकास पर आधा दर्जन संगीन मामले दर्ज हैं। बुलंदशहर में मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हुए ये हाथरस का रहने वाला लुटेरा विकास है, जिसके सर पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया था। बीती रात खुर्जा देहात पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में एक कुख्यात जनपद का टॉप 10 का अपराधी विकास, जो हाथरस गेट जनपद हाथरस का रहने वाला है, जिसमें 25,000 रुपये की पुरस्कार राशि पूर्व से घोषित थी, तथा डकैती के एक मामले में 16 जुलाई 2019 से वांछित चल रहा था, वो घायल हुआ है क्रॉस फायरिंग में और गिरफ्तारी की गई है। उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस, बिना नंबर की स्प्लेंडर बाइक बरामद की गई है। उल्लेखनीय यह है कि यह अपराधी कई जनपदों में लूट और डकैती के गंभीर मामलों में लिप्त रहा है और उस संगठित गिरोह का सदस्य है, जिसके द्वारा जुलाई 2019 में रेलवे के बंडल, कापर के बंडल थे, उनकी लूट की गई थी। इसमें अन्य अपराधी इसके सहभियुक्त जो थे वो पूर्व में गिरफ्तार हो चुके थे। इसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपये की पुरस्कार राशि घोषित थी तथा जनपद के टॉप 10 अपराधियों की सूची में इसका चिन्हीकरण किया गया। बुलंदशहर के एसएसपी की माने तो देर रात को इनामी बदमाश विकास बाइक पर सवार होकर किसी बड़े वारदात को अंजाम देने आ रहा था कि बुलंदशहर की स्वाट टीम और खुर्जा देहात पुलिस को इसकी भनक लग गई। जब विकास की घेराबंदी की गई तो उसने पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई के दौरान एक गोली विकास के पैर में लग गई, जिससे विकास मौके पर घायल हो गया। घायल बदमाश को बुलंदशहर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश के कब्जे से एक बाइक, एक तमंचा और कई कारतूस बरामद किए गए हैं। हमारी खबर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ शमशुद्दीन सैफी, टाइम 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।